पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग ठीक है, खुश है, स्वस्थ है, होपफुल है, पॉजिटिव है अपनी अपनी लाइफ को लेकर के। आज की जो रीडिंग है, आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। आखिरकार अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन जो है आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, ठीक है, इस बारे में आज की रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज एन कैंडल वैक्स रीडिंग, प्लस हम लोग मैसेजेस भी चेक करेंगे उनके, ठीक है, विद दिस ब्यूटीफुल स्प्रेड। एंड हम लोग थोड़े से रोमांस एंजल्स भी चेक करेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी एंजल्स की तरफ से भी एडवाइस आ सके। ओके, तो दिस विल बी एन कैंडल वैक्स प्लस टैरो रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक तरीके से कलेक्टिव रीडिंग, सब लोगों के लिए है, टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को, कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, टाइम का कोई इश्यू नहीं है, कास्ट रिलीजन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा का कोई इश्यू नहीं है, कंट्री का कोई इश्यू नहीं है। आप कहीं भी बैठ के इस रीडिंग को देख सकते हैं, कहीं भी बैठ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज एंजल्स बताने की कोशिश करें पॉजिटिविटी के साथ, हमेशा हमारे साथ रहें और हमें बताएं एक्चुअली में ये एक कलेक्टिव रीडिंग जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, प्लीज एंजल्स बताएं अभी करंटली हाल फिलहाल मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हैं वो। एनर्जीज तो बहुत हाई चल रही है इनकी, हाई पीक पे चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं पहले देख लूं एक बारी। आपके पर्सन का पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ। आपके पर्सन का इनिशियल V हो सकता है, P हो सकता है, K हो सकता है, S हो सकता है, A हो सकता है एंड B हो सकता है, ठीक है। ये इनिशियल्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। बाप रे, ओके, U, C, P, K, T। आपके पार्टनर का मूलांक 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। इफ यू डोंट नो अबाउट मूलांक कैलकुलेशन, गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां मैंने शो कर रखा है। हाँ, चलिए, ओके। बेसिकली ये पर्सन आपके बारे में अभी सोच रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्होंने एक अरसे से आपकी इनसे बात नहीं हुई है। हाँ, एक अरसे से इनकी आपसे बात नहीं हुई है और ये बंदा अभी खिंचा खिंचा सा है, बहुत रूड सा है। ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने आपको मैसेज किया हो और आपने इनको रिप्लाई नहीं दिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इनको मैसेज किया है, इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया है। या हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अनब्लॉक नहीं कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। और या फिर अगर ब्लॉक नहीं कर रखा है एक दूसरे को तो बातें नहीं हो रही है। नो कांटेक्ट पे जा रही है ये रीडिंग। आप लोगों की बातें नहीं हो रही हैं, प्रोबेबल बातें नहीं हो रही हैं, बहुत ज्यादा परेशान है एक दूसरे को लेकर के। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, गिल्ट है इनको एक तरीके का। और आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ सही नहीं किया है, ये मेरे साथ कुछ अच्छा कर सकता था। इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ कर नहीं सकते थे उस मोमेंट पे, तो ये क्या करते, ये पर्सन आपको लेकर के 24/7 थिंकिंग प्रोसेस में है, थॉट्स चलते हैं, कई बारी चलते हैं और इनको ऐसा लगता है कि ये आपके पर्सन जे हो सकते हैं, ठीक है। इनको कई बारी ना ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जो गलत किया है ना इसका खामियाजा इनको आगे चल करके भुगतना पड़ेगा। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में फैमिली का बर्डन बहुत ज्यादा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो है ना डिफरेंसेस बहुत हैं कि इनके घर वाले आपको अलाउ नहीं कर पा रहे हैं, कि इनके घर वाले आपको वो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कहते हैं ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्टेंस का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है और आपको ऐसा लगता है कि ये कुछ कर नहीं रहा है। इनके करियर फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। इनको ना हर वक्त एक तरीके की बेचैनी रहती है। इनको आपके ड्रीम्स आते हैं, इनको आपके ड्रीम्स भी आ रहे हैं। हो सकता है अभी कल परसों इनको किसी तरीके का ऐसा सपना आया हो जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए हो अचानक से। हो सकता है इन्होंने कुछ मरने मराने वाला टाइप्स कुछ ड्रीम देखा हो, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा हो सकता है आपको आ रहे हो ऐसे सपने, आपको वियर्ड से सपने आते हो इस बंदे को लेकर के, इस पर्सन को लेकर पर्टिकुलरली। इनके घर वाले आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपके घर वाले इनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत कम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हाँ, बहुत कम लोगों के लिए कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई थर्ड पार्टी हो। बाकी ज्यादातर फैमिली इश्यूज है यहाँ पे, फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं और फैमिली में स्पेशली मदर इश्यूज हैं, मदर नहीं मान रही है, या तो आपकी नहीं मान रही है इस पर्सन की नहीं मान रही है। एंड यू बोथ आर लाइक एक दूसरे के लिए बना हुआ होता है ना, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हैं, उस तरीके की एनर्जीज हैं। आपको ये इंसान चाहिए नहीं, हाउ आप ऐसा सोच रहे हो। आप इस पर्सन के लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हो, आप इस बंदे को पाने के लिए बहुत कुछ ट्राई कर रहे हो। आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं, आप इस पर्सन को लेकर के बहुत थॉटफुल हो। ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, उदास है और इनकी एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव है। मुझे जो महसूस हो रहा है मैं चेक करना चाहती हूँ। प्लीज एंजल्स मुझे बताएं। हो सकता है आपके पर्सन या तो बहुत ही ओवर एक्सप्रेसिव है या फिर बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं थॉट्स। आपके पर्सन अभी सोच रहे हैं कि अगर अब इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया आपके लिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपने इस पर्सन की हेल्प करी हो, इमोशनली, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी तरीके के ट्रॉमा से बाहर आने में यहाँ पे ये भी है चांसेस। और उस वजह से भी ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं बहुत ज्यादा, इनको दुख हो रहा है, इनको तकलीफ हो रही है। इनकी एनर्जीज में बदलाव ये है कि पहले ये बिल्कुल एकदम शांत होकर के, मौन मूक होकर के बैठ गए थे। इन्होंने सोच लिया था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हाल फिलहाल इनके दिमाग में ये थॉट आया है। आप में से कई लोगों ने हो सकता है अभी ये जो करवा चौथ का व्रत गया है ये किया हो, या फिर आप लोग किसी तरीके की कोई पूजा पाठ कर रहे हैं फॉर दिस पर्सन। अगर ऐसा है या अगर आप मैनिफेस्ट वगैरह कर रहे हैं तो गाइज आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी प्रेयर्स है ना, वहां पहुंच रही हैं, ठीक है। वो पहुंच रही है वहां पे और वो काम कर रही हैं। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। ये बंदा आपको लेके थॉटफुल हुआ है, पॉजिटिव हुआ है, एनर्जीज काफी हाई चल रही हैं अभी, ठीक है। गिल्टी में है लेकिन हाई है। सोच रहा है कि अब एक्शन ले लेना चाहिए, अगर अब मैंने एक्शन ले लिया ना तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, टोटली ओवर हो जाएगा सब कुछ। इस तरीके की एनर्जीज चल रही है इनकी। मुझे देखने दीजिए मैसेजेस, इनके मैसेजेस ये आपको क्या देना चाहते हैं। मुझे इनकी तरफ से ना नेक्स्ट एक्शन ऐसी फीलिंग आ रही है जिससे कि आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं अगर आप लोगों की बिल्कुल बातें नहीं हो रही हैं तो। और अगर इन्होंने किया है और आपने इग्नोर कर दिया है ना तो ये आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आई कीप माई आई ऑन यू टू नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। हो सकता है आपको स्टॉक वगैरह कर रहे हैं कहीं इधर उधर से। And I know I messed up everything before now I want a new beginning with you। तो ये आपको बोल रहे हैं कि इन्होंने पहले सब कुछ खराब कर दिया था लेकिन अब ये एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। It's so hard for me to let you go but I don't know what to do। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको खोना इनके लिए बहुत बुरा साबित होगा लेकिन ये क्या करें। And please don't be sad, I promise I will reach out to you soon। So the beautiful message here is कि इस पर्सन की तरफ से आपको नेक्स्ट एक्शन मिलेगा, डोंट वरी। ये इंसान आपके पास वापस आएगा, डोंट वरी। लेट मी चेक हीलिंग फैमिली इश्यूज, मैंने बोला ही था हीलिंग फैमिली इश्यूज, आप दोनों के बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, गेटिंग टू नो ईच अदर, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को और जान पहचान के चीजों को सही करने की कोशिश करेंगे, ओके, देन प्लीज एंजल्स बताएं और क्या, चिल्ड्रन, हो सकता है कि ये अपने अकेले माँ बाप के बच्चे हों या बेटे हों या बेटी हों, या फिर ऐसा हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, अनरिक्वेटेड लव, आपको इस पर्सन से बहुत ही ज्यादा एक कहते हैं ना कि दुख भरा प्यार इस तरीके का आपको मिला है इस बंदे से, प्लीज एंजल्स बताएं और आप कुछ गाइड करना चाहते हैं। रिलीज योर एक्स, आपको बोला जा रहा है कि रिलीज करें, नेगेटिविटी रिलीज करें, तभी जाकर के आप इस रिलेशन को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। नाउ लेट मी पुल आउट वन मोर कार्ड, प्लीज एंजल्स बताएं और कुछ आप एडवाइस करना चाहते हैं। मेक द एफर्ट, मेक द एफर्ट, हीलिंग फैमिली इश्यूज, इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए गाइस, तो ये पर्सन बहुत जल्दी आपके लिए कोई ना कोई एफर्ट ले सकता है, ओके, कोई ना कोई एफर्ट बहुत जल्दी लेगा। ये आपको बोल रहा है दैट डोंट बी सैड, आई विल रीच आउट टू यू सून, मैं जल्दी ही आऊंगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लो। ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, और आप लोग अपनी पर्सनल पेड रीडिंग्स भी बुक करवा सकते हैं, मुझे मैसेज करें इंस्टा पे या फिर मेल करें मेल आईडी पे, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।